तो कैसे वालो मेहर, कैसे हो? तो कैसे वालो मेहर, कैसे हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरा सिर्फ तुम ही हो क्लास में, आज सिर्फ तुम ही हो क्लास में। हेलो प्रियंका। ओके हेलो, नमस्ते नमस्ते। मुझे लगा आज सिर्फ मेहर है क्लास में। क्या मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ? तो ऐसे ही लग रहा। हेलो शिवा, हेलो जय। ओके चलो बच्चे आ रहे। हेलो प्रियंका, हेलो त्रिरंगा, हेलो सांगी, हेलो भानुप्रिया। हेलो जुतारो, हेलो दाऊजी, हेलो सानू। जुतारो, व्हाट द नेम, क्या बात। आदत नहीं है क्योंकि किस चीज की आदत नहीं है भाई? क्या कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक बातें होने लगी। हेलो भानुप्रिया, भानुप्रिया बहुत दिनों बाद, राइट? जितना मुझे याद है कि बहुत दिनों बाद है ना भानुप्रिया। ओ भानुप्रिया ने अभी सब्सक्रिप्शन लिया, भानुप्रिया अभी सब्सक्रिप्शन लिया, अब तो दिल तोड़ा इसने मेरा। मैं क्या ही बोल सकती हूँ किसी को, है ना। हेलो हेलो जुतारो, मैं इतना बोलते रहती हूँ, चीखते रहती हूँ, चिल्लाते रहती हूँ कि मेरा भी कोई रेफरल कोड यूज कर लो, यूज कर लो, लेकिन तुम लोग कसम खा रखे हो ना कि नहीं, सब किसी का भी कर लेंगे लेकिन आपका नहीं करेंगे, है ना बच्चों। हेलो दिशा, हेलो रोज, मुझे आपकी क्लास का क्या, आपकी क्लास का क्या नहीं था, याद नहीं था। हेलो आशी, बहुत दिन बाद तो मैं आया हूँ। अच्छा मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं। नहीं, ताऊ जी बिल्कुल इज्जत है। एक्चुअली कमेंट वाला ना वो ऊपर चला गया था, मैम पहचाना मुझे? जो तारो जो तारो, मैं तो पहचान लू लेकिन याद नहीं आ रहा। लग तो रहा है कि पहचानती हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हेलो शुभम, कैसे हो? ऐसा होता है क्या कि तुम लोगों को लगता है कि तुम उसे पहचान रहे लेकिन नाम याद नहीं आता? ऐसा होता है तुम लोगों को? ताऊ जी तुम्हारे साथ होता है? हेलो उत्कर्ष, हेलो जरीफा, इस क्लास को खाली देखने की आदत नहीं है। हाँ सच में इसको ना, मेरे लापे में क्लास नहीं चल रहा है, क्लिक करने से अनेबल टू प्ले द क्लास लिख रहा है। आई थिंक उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा होगा। आप स्पेशल हो इसलिए आपके साथ होते हैं? ओ मेरे ही साथ होता है। अच्छा मतलब मेरे ही साथ होता है। समझ रही हूँ मैं। नहीं मैम आप झूठ बोल रहे हो, भूल गए आप। अच्छा मैं भूली गई। ओ थैंक यू थैंक यू। ओके सारे बच्चे आ गए, स्टार्ट कर दूँ? स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा कुमारी, मैं फ्रॉम गंगा कॉलेज ऑफ ह्यूमन इको ओपन एग्जाम लेट एसएस वेरियल। वी हैव मोर देन 5 टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम 2000 प्लस दैट स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर विभाग में जाने की जरूरत है तो मेरा रेफरल कोड बच्चों, क्या फायदा है बोल के। इट्स अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर, पूजा इज माय नेम एंड 11 इज बाय बोथ कोर, होप सो आपको पता होगा। मैम आई एम अदना। ओ जुतारो, अदनान तो यूट्यूब में जो तुम आ रहे हो वो क्या तुम ही हो? आप यहाँ जीके करवाते हो क्या? हाँ मानुप्रिया मैं जीके करवाती हूँ। जुतारो, तुम जो अदनान नाम का एक व्यक्ति आ रहा है आजकल, क्या वो यूट्यूब पे तुम हो? मतलब मिलकर बहुत नो मैम। ओके ओके, मतलब ये पहली क्लास है, यूट्यूब पर नहीं आ रहा हूँ। कैसे हो जुटारो, क्या चल रहा है? ओके सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज ए पूजा 11, होप सो आपको याद होगा, ऑब्वियसली याद हो गया होगा। सो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप की क्रैक कर सकते हो एम एच सी जी लॉ एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज। सो देखो मैं आपको ये वाला पेपर इस पेज इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि बच्चों फाइव ईयर वाला जो टेस्ट है आप 3 ईयर वाला भी दे देना ना, क्योंकि जीके तो सेम ही रहता है, इंग्लिश भी सेम ही रहता है, लॉजिकल भी सेम ही होता है। तो
जरूर देना बच्चों, भूलना मत, डाउट पे कुछ भेजा है जरूर देखना। अगर नहीं मैम, अच्छा मैम आशी बोली मैं झूठ, डाउट पे कुछ नहीं है बस, कैसा बना है जरूर बताना। ओ व्हाट इज दिस राहुल जी, क्या बनाया तुमने? ओके सो आज स्टार्ट कर दूं। हेलो केशव, हेलो हेलो जानी है, दिस इज द बेस्ट टीचर यू कैन फाइंड ऑन दिस एप्लीकेशन, सी हेल्प मी लॉट, आई एम इन माय सेकंड ईयर, थैंक यू फॉर माय हेल्प टू, थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू सो मच अदनान। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनअकैडमी पे मेरा पहला बैच था और जिसका बच्चा है अदनान। हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे लाइफ में, है ना, ना? हमने पूरा कोविड साथ बिताया, तो ही इज द वन। यस, किसने सब्सक्रिप्शन लिया मैम बिना आपके कोड का? वो कौन सा बच्चा था? रुको बता रही हूँ मैं, वो है भानुप्रिया। हेलो दिशा, हेलो राज। सो व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड? जो बैम्बू डांस होता है ना मिजोरम का ट्रेडिशनल, सो क्या बोलते हैं उसे बच्चों, क्या बोलते, किसी को भी पता है? और अगर मैं बोल देती हूँ, हेलो अरुही, हेलो रानी, कैसी हो, एंड दिस वन इज द पोल। अभी कौन से कॉलेज में हो? सो वेरी गुड केशव, वेरी गुड अक्षर, त्रिरंगा, ताऊजी, एंड द करेक्ट आंसर इज चिराव। अदनान, इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग? किसका पूरी होते हैं पता नहीं, जा रहे जो तारो, सिर्फ ये कहने के लिए आए थे। ओके चलो कोई बात नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? विच वन इज द करेक्ट आंसर, एंड द पोल इज दिस वन। नफीसा ने आंसर करा है, नफीसा, आई थिंक नफीसा इज अ न्यू वन राइट? क्या नफीसा पहली बार आई है क्लास? हेलो त्रिरंगा, कैसे हो? हेलो त्रिरंगा। सो लक्षदीप इज द करेक्ट आंसर, हेलो उम्मी, हेलो शांतनु। ओहो भाई, एक और ऐड हो गया आपके फ्रेंडशिप में। ओके so the answer देखिएगा, the earliest Buddhist text were written in, it's Upper Brahmasa, it's Sanskrit, Pali, Prakrit, which one is the correct answer? क्या मैं बोल देती हूँ? देखो आज के क्वेश्चन ना टफ है ना इजी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर्स करना। ओके चलो कोई बात नहीं, और कोई बच्चों, सो द करेक्ट आंसर इज सी। हेलो विदेश, बच्चे आजकल कम आ रहे हैं, है ना शुभम? मुझे भी लग रहा है। हेलो प्रार्थना। ओके सो लाल डेड, एक फीमेल सेंट थी 14th सेंचुरी की, वॉज वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड बेस्ट नोन पोएटिस, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सेवेजर कमिंग सून, सेवेजर। हेलो सुजैन, क्या क्या आंसर, क्या ये बोलते हैं मैम? हाँ बोला जाए मैम, कंप्लेन आई है, मेरी कंप्लेन आई, बढ़िया मैम। हेलो शांतनु, अदनान विच फॉर यू आर स्टडिंग? सेवेज स्टार्स बढ़ाएंगे क्या, कुछ समझ नहीं आया मुझे। जी जी बोल रहे थे कि आज खाना नहीं गया, अच्छा अच्छा ओके। हेलो सुजैन, थैंक यू सो मच, पता ही नहीं था मुझे ये बात, खबर ही नहीं थी मुझे। ओहो क्या से क्या, ये मुझे गाना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके और कुछ बच्चों, हो गया तुम लोगों का बोलना है ये सब, जल्दी से बताओ, हो गया तुम लोगों का? क्या मैं बोल दे दूं? So the correct answer is, it's Kashmiri, right? Hello Ekta, aisa to sir ko invite kar leta, aaj maine special khana khaya. Ekta didi aa gayi. So
बच्चों, द केव ऑफ बाग विच एरिया विच आर अ मार्वेलस वेस्टिज ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर आर सिचुएटेड इन विच वन इज द करेक्ट आंसर एंड द पोल इज दिस वन इरेडियन पोल. और कोई आंसर करेगा? सो वेरी गुड बच्चों, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. ओके तो तुम्हें करना है. इतने बच्चे. ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन हैज इट्स ओन एंड द पोल इज दिस वन. हेलो राम, कैसे हो? क्या बात. वैसे बहुत सारे आए बच्चे, बहुत सारे चले भी गए हैं, कोई बात नहीं. बट जो आते हैं वही तो जाते हैं ना, है ना? जो आते हैं वही तो जाते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. आज तो बहुत ही कम बच्चे हैं, बहुत बहुत. हेलो अनुप्रिया. ओके सो ये मत करना, ये नहीं करना है. इन ओनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी. क्या होगा बच्चों आंसर? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन बच्चों, दिस वन इज द पोल. सो वेरी गुड दिशा, वेरी गुड शांतनु, उत्कर्ष, आशी, वेरी गुड ताऊ जी. क्या बात. इट्स बी इज द करेक्ट आंसर. हेलो शिव, हेलो मनीषा. सो ध्यान से देखना, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी. क्या होगा बच्चों आंसर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, उन्हें क्या बोलते हो जो एकदम आते हैं आपके घर भिक्षा मांगने, उन्हें क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ उन्हें क्या बोलते, क्या हो तुम लोग? कुछ तो बोलते हो गे? सब फेगर, इट्स फकीर. फरीद बोलते हो? अच्छा कुछ भी ना, फकीर बोलते हैं. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या मैं पोल दे दूं बच्चों? क्या मैं पोल दे दूं एनीवन? एंड द पोल इज दिस वन बच्चों. तो आज एकता दीदी क्लास नहीं करने वाली है तुम्हारी, आज एकता दीदी चली जाएगी क्लास से जल्दी. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स डी. मैम वो एक दीदी, अरे मैं गुस्सा नहीं करती हूँ ताऊ जी. अच्छा सच में? व्हाट इज दिस, क्या बोल रही थी इतना. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्राइजेस अबाउट हाउ मेनी आइलैंड. क्या मैं बोल दे दूं बच्चों? किसी को भी पता है क्या इसका आंसर? किसी को भी पता है? जल्दी से बताओ ना, हिंट दूं. अगर मैं हिंट दूं तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ ऐड करोगे तो मिडिल टर्म बनेगा. हेलो पूर्वी, so the correct answer is C, that is 572. okay, birthday छोड़ के हिंट दिया है. largest component बताया natural gas के, मतलब. अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों,
शांत, आपको नहीं लगता कि शांतनु को मेरे बर्थडे से बहुत प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है? बहुत मतलब बहुत। ठीक है चलो रख लो प्रॉब्लम, मैं क्या ही बोल रही है ना। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स मिथेन। हेलो अंकुर, हेलो हेलो बच्चों, मैं कमेंट करने वाले में लिखते हैं। ओके सो ककिनाडा विच एंजॉय स्पेशल प्लेस इन द गैस पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एंड विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या आप पोल दे दो बच्चों? एंड द पोल इज दिस वन। एकता, केशव भैया जो है ना वो बहुत बकवास करते हैं, वो कभी अच्छी बात है तो मैंने सुना नहीं, रेयरली। सो आंध्र प्रदेश काकीनाडा इज द करेक्ट आंसर राइट। और ये आते के साथ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आते क्यों है? ये आते क्यों है? सही कहा आपने ना। सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हेलो एकलव्य, हेलो ओमकार। सुबह से सर खाने लगता है मेरा, सुबह ही से। अच्छा तुम नहीं खा लेती? तुम भी पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी राइट। बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर, एनी पे। हेलो हेलो रत्नेश, कैसे हो? ओके सो व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट? विच वन इज द करेक्ट आंसर? एंड द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड आदित्य अक्षत। सो वेरी गुड प्रियंका दिशा एकता। एंड द पोल इज दिस वन, द करेक्ट आंसर इज इट्स बी। एकता जी बोलती है, एकता दीदी कुछ नहीं बोलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द जॉग वाटरफॉल लोकेटेड? क्या मैं बोल दे दूं? कैसा क्लास में नहीं होता तो आपका भी मन नहीं लगता। बट एक बात है ना, जब केशव क्लास में नहीं होता तो मेरा भी मन नहीं लगता। अच्छा मेरा ऐसे भी मन नहीं लगता है, क्लास में मन थोड़ी ना, मन तो है और देख करो क्वेश्चन, बट मॉर्निंग में जल्दी उठना है। ओके जैसे मुझे बताना है वो सेलिब्रेट कैसे करते हैं, मैंने तो देखे नहीं है, मैंने मतलब टीवी पे ही देखे हैं। ओके सो विच एसिड डज विनेगर कंटेन? नियर दिस प्लेस। क्या मैं पोल दे दूँ? ओके एंड द पोल इज दिस वन। आपको पिक भेजूंगी। ओके डन। सो द करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये भी भूल गए तुम लोग, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसे, है ना। हेलो ऋषभ, हेलो सुजान। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? मैम इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। ओ अच्छा हाँ शांतनु, बहुत सही पकड़ा है तुमने। हेलो हेलो इमरान, कैसे हो? एंड द पोल इज दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स आर्टिकल 343। सो मैम मैथ्स को कुछ हिंट दे सकती थी? मैं दिया क्यों नहीं, मैं वही सोच रही हूँ।
So the correct answer is it's Article 343. Hello Rahul, okay. So which of the following is not a product made from crude oil? Which one is the correct answer? So क्या मैं पोल दे दूं? एंड दिस वन इज द पोल बच्चों. वेरी गुड ताऊजी आदित्य. क्रूड ऑयल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? इट्स एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट क्या है कोई बताएगा मुझे? एंथ्रासाइट एग्जैक्टली क्या है आप बताएंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स बी. मैम अच्छा मैम दिक्कत आ रही है पीसी में इसलिए फोन में ऑनलाइन आया. ओके बहुत सारे बच्चों को पीसी में दिक्कत आ रही है, लाइव ही नहीं हो रहा है. ये सिर्फ आपका कंप्लेन नहीं है, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथ्रासाइट क्या है, मैंने ये पूछा. कौन बताएगा मुझे एंथ्रासाइट क्या है आप मुझे बताएंगे? कोल. अच्छा थैंक गॉड शुभम ने बताया. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द पोल इज दिस वन. हेलो बॉब द बिल्डर. वेरी गुड ताऊजी उत्कर्ष अक्षत प्रियंका. वेरी गुड आदित्य. वेरी गुड शांतनु दिशा शुभम त्रिरंगा. वेरी गुड केशव आरुई मेहर जरीफा राम. एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स बी राइट. हेलो सुनिधि. हेलो प्रणव. 3 मंथ में अच्छे से प्रोफेशन हो जाएगी. हाँ बिल्कुल हो जाएगी ऋषभ. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ वुमेन इज नो मैन? क्या मैं पोल दे दूं? 3 ईयर्स DU. हाँ हो जाएगी ऋषभ. अब ऑब्वियसली थोड़ा डेडिकेशन ज्यादा होने की जरूरत है. डेडिकेशन ज्यादा चाहिए, थोड़ा लीगल को अच्छा कर लो क्योंकि DU LLB देना है. इसमें तो लीगल के क्वेश्चंस होते हैं. अब देखो इस बार कैसा पैटर्न देता है वो. श्योरिटी तो है नहीं किसी बात की. ओके इस क्लास पर क्लैप सानी. दिस इज फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकॉज स्टैटिक GK नहीं पूछे जाते हैं क्लैप में. ओके रानी आप स्टैटिक GK भी कर सकते हो. सो हेलो सुजीत. सो बच्चो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ दिस फॉर द सिटीजन? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन बच्चो. वेरी गुड ताऊजी दिशा. वेरी गुड राज. वेरी गुड आरवी आशी. वेरी गुड हिमू. वेरी गुड शुभम. वेरी गुड प्रियंका. वेरी गुड नफीसा. एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स आर्टिकल 44. हेलो हरीश. ओके ओके केशव क्लैट की क्लास कब होती है रानी? इसमें करंट अफेयर्स भी होते हैं जो कि क्लैट में आते हैं. केशव ऋषभ को एक बारी टेलीग्राम का लिंक दे देना या तो अपना या तो मेरा किसी का भी, ताकि उसे जो चाहिए होगा पूछ लेगा. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? इट इज छत्तीसगढ़ असम त्रिपुरा झारखंड. या फिर मेहर अगर दे देता तो भी अच्छा है, कोई भी दे दो. एंड द पोल इज दिस वन. सो वेरी गुड अक्षत आउजी. वेरी गुड दिशा आशी. वेरी गुड मेहर. वेरी गुड जरीफा. एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स असम. हेलो पिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर असम से होके नहीं जाती है. ओके सो विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल हेरिटेज. हेलो अभिषेक. नेशनल हेरिटेज एनिमल आपको बताना है बच्चों. सो वेरी गुड बच्चों द करेक्ट आंसर इज इट्स एलिफेंट.
मैंने नेशनल एनिमल नहीं पूछा था जो तुम लोगों ने टाइगर कर दिया, हेरिटेज एनिमल पूछा था। आई एम फ्रॉम असम। ओ जरीफा, यू आर फ्रॉम असम, तुम्हारा नाम भी बहुत मैच करता है असम से। फाइनली मुझे नॉर्थ ईस्ट से कोई मिला। मतलब जनरली कभी बच्चे या तो नॉर्थ इंडियन होते हैं या तो साउथ इंडियन या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर वाले पूछते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अभी तक तो कोई नहीं था। और मैम एड्रेस पूछे? नहीं, असम काफी है। अब असम में मैं नहीं जानती, मैं इतनी इंटेलिजेंट थोड़ी ना हूँ कि हर जगह का कोना कोना जानू। साउथ से है एक स्टूडेंट आता है, देखो वो जो वो तो बैंगलोर से ही आता है ना, क्या नाम उसका, त्रिरंगा। यस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज विंध्या रेंज नॉट लोकेटेड? विच वन इज द करेक्ट आंसर? भाई मैसेज कैसे करूं, पूछ रहा है। उसे सर्च करते हैं टेलीग्राम पे। वेरी गुड त्रिरंगा, वेरी गुड राज, वेरी गुड मेहर, वेरी गुड राम, वेरी गुड केशव, एंड द करेक्ट आंसर इज इट सी। So, which of the following language film is the eminent music composer Ilaiyaraaja primarily associated? Okay, hello Parvez, hello Amit. सो वेरी गुड ताऊजी, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड केशव अक्षत, वेरी गुड त्रिरंगा, एंड द करेक्ट आंसर इज तमिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आंसर इज इट्स ए, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। सो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर नोन एज विच वन इज? इतने ही बच्चे आंसर करोगे कि कोई और है? किसी का भी पोल लेना छूट रहा है, जल्दी से बता दो, कोई तो एक बच्चा होगा, कोई तो। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी। सब मैसेज में बिजी है मुझे भी लग रहा है। सो मुझे बताओ, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाई महात्मा गांधी? क्या होगा बच्चों आंसर? एनी वन? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन। हेलो राज, नाम तो सुना ही होगा, ये वाली फीलिंग आई मुझे, तुम्हें भी आई क्या? सो वेरी गुड केशव आदित्य, वेरी गुड अक्षत त्रिरंगा, वेरी गुड आरोही, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स बॉम्बे। जरीफा, हेलो आयत। ओके सो डैश इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, चीफली इन द हार्ट और लंग्स।
स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप और टेलीस्कोप। क्या मैं बोल दे दूं? एंड दिस वन इज द पोल। दे दिया बच्चों मैंने पोल। सो वेरी गुड ताऊ जी, वेरी गुड आदित्य दिशा। And the pole is this one. Hello, Vikrant. So, 400 meter Indian runner Prachi Chaudhary. वो कौन से स्टेट से है? Prachi Chaudhary. Chaudhary is not from Haryana, obviously. तो ये कौन से है? बहुत सारे बच्चे हैं इस स्टेट से. बहुत सारे. कल मैंने सोचा था पोल भी करवाऊंगा. वेरी गुड ताऊ जी, वेरी गुड आदित्य अक्षत मेहर, वेरी गुड त्रिरंगा, वेरी गुड सुनीति राम, नफीसा रूही गितेश प्रियंका भानुप्रिया एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। राइट, इट्स उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओगी सीएम, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला? क्या मैं पोल दे दूं? क्या बच्चों मैं पोल दे दूं? जल्दी से बता दो। And the poll is this one. ये दे दिया मैंने poll. Hello Vimanchak, कैसे हो? Very good Akshat Keshav. Very good Shubham Tauji. आज मुझे लगता है कि मैं जब 3 year LLB में क्लास ले रही हूँ ना, तो उसके कारण ना हिमू आई है ना दुर्विश आया है और भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए. हेलो मीमांशा, मीमांशा तो है. ओके, so next question, what was the name of king ashoka daughter whom he appointed to carry out the duty of buddhist missionary? And very good aditya akshar, very good shantanu tau ji, very good priyanka. Aur koi bachcha, aur koi jaldi se answer karo. Anyone, anyone? बस कितने बच्चे? So the poll is this one. हेलो मीमांशा, कैसी हो? सो कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? कहाँ जा रहे हो बच्चों? ऐसे नहीं जाते हैं ना, ऐसे क्लास से थोड़ी ना जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू कर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स अनरिस्ट्रेंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड टू ब्रिंग अबाउट सम ऑर्डर इन टेरिटरीज अंडर द कंपनी कंट्रोल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड अ सीरीज ऑफ लॉज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग which the dash stood first, charter act of 1813, which one is the correct answer? And the poll is this one. Mimansha bhi aake chali gayi hai na, Mimansha bhi aake chali gayi. Very good Tauji Ram, very good Jitesh. Bachcho answer karo, answer. Anyone, aur koi hai? Koi to bachcha hoga, jaldi se batao. No one. Very good, Triranga. So the correct answer is it's D. This is char bachcha ne correct answer kara. Mehr maza aayega. Okay. Chala next question kar.
So proboscis gland for excretion is present in the phylum. Which one is the correct answer? Anyone? Keshav, Shantanu, Mimansha, or koi? Zarifa, Akshat, Priyanka, Shubham, Ram, Gitesh, Tauji, or koi bacha? Or koi answer karo jaldi? Bas itne hi bacche? Itne hi bacche? So very good, bacho. Next question. Chalo biology. Yeah, like kuch to fayda ho raha hai. Achha. So as per the Constitution of India, the total number of members in the Lok Sabha cannot be more than which one is the correct answer? So kya main poll de dun aapko? So the poll is this one. Very good, Disha Shantanu. So very good, but it's 552 is the correct answer. Hello, 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 Suman, kaisi ho? Okay. So, which of the following disease marked by dementia, diarrhea, and dermatitis? Kisne sabke naam sune? The three D's. It's pellagra, it's osteoporosis, it's xerophthalmia, or scurvy. Kya hota bachche? Dekho, scurvy to hoga nahi, wo skin disease hai. Right. Ab मैं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या मेरे नाम का अक्षर याद है किसी को भी याद है सो वेरी गुड अक्षत वेरी गुड केशव वेरी गुड प्रियंका जरीफा वेरी गुड मीमांशा इनु भानुप्रिया वेरी गुड त्रिरंगा एनीवन और कोई बस इतने बच्चे आंसर करोगे इट्स ए इज द करेक्ट आंसर राइट Hello, Anamika, kaisi ho? Hello, Anamika. Okay, so dhyan se dekhiyega bachcho. Which causative agent causes the disease of malaria? Ma'am, sir ki class kab hoti hai? Mujhe English mein problem ho rahi hai. Okay, sir ki class, main sir se pooch lungi aur bata dungi ki Ashi ko problem ho rahi hai, to aap thoda sa dekh le, right? Main bol dungi. Kaun sa agent hai causative agent batao, jo malaria disease jiske liye karan se hota hai. Wah. क्या बात है बहुत कम लोगों को पता है कि पैरासाइट बोलते हैं उसको मतलब कहां से आते हो आप कहां से जैसे कि हमें भी लेनी क्लास लाल रेड अ फीमेल सेंट ये हो चुका है ना बच्चों ये हो चुका है The cave of bag, which are marvelous vessels, ये हो चुका है ना? ये सारे हो चुके हैं, right? है ना? हाँ, ये हो चुका है, repeat हो रहा है, just wait. हो गया मुझे खुद याद है, तुम लोगों से पहले, मतलब मुझे ही बता रहे हैं ये बच्चे. मैम सब बाउंस से जा रहा है कुछ जीके अच्छी नहीं है यहाँ आके पता लग रहा है अच्छा अच्छी वाली जीके करवाऊं ओके बच्चों चलो नेक्स्ट आज सर ने क्लास में मुझे दो बार हाई फाई किया
त्रिरंगा, ओके क्या बात है, त्रिरंगा, वेरी गुड। सो ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन विजिबल है। फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? कांग्रेचुलेशंस, तुम भी उसे हाई फाई कर दो मेहर, आज तुम भी उसे हाई फाई कर दो। सो वेरी गुड बच्चों, जीके कैसे कवर करें, मैं मान से इसकी क्या मैं मानसा डिप्रेस लग रही हो बहुत। सो ये तो तुम बताओगे ना शांतनु, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। हु वाज फोर्स्ड टू लीड द रिवॉल्ट? हु वाज फोर्स्ड? सो वेरी गुड सुजल आशीन अफीशा, वेरी गुड राज शांतनु, वेरी गुड केशव त्रिरंगा। द करेक्ट आंसर इज इट्स बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर, राइट? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर? कानपुर में रिवॉल्ट किसने, किसके नेतृत्व में हुआ था? कानपुर में मैं मानसा दृष्टि पढ़ो रेगुलरली, मेहर भाई तू बता दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मीमांशा, अब इतना समय नहीं है, ठीक है? जीके ठीक करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स तो 1 ईयर का हो जाएगा। स्टैटिक में क्या करो कि जितने ऑब्जेक्टिव अब तुम लगा सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव लगाओ और उसे थोड़ा रिविजन करो, ठीक है? एक बार दो बार तो उससे क्या होगा, थोड़ा रिविजन हो जाएगा। ओके सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, दैट इज नाना साहेब, नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीद अली शाह जो कि नवाब थे, कहाँ के? अवध के, बंगाल के, हैदराबाद के, कि कर्नाटक के? मतलब हम लोगों ने इतने स्टैटिक के क्विज करे हैं, एंड द पोल इज दिस वन। सो वजीद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ, वेरी गुड केशव ताऊजी अक्षत, वेरी गुड नफीशा, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स अवध। यहाँ सब 3 ईयर वाले हैं, नहीं है नामिका, यहाँ सब 5 ईयर वाले हैं। तुम्हें केशव 3 ईयर वाला दिखता है? मैं 3 ईयर, ताऊजी 3 ईयर, ओहो क्या नामिका। ओके सो अवध इज द करेक्ट आंसर। ब्रिजिश कद्र वॉज द यंगर सन ऑफ नवाब शौकत अली, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर अली और नवाब वजीद अली शाह। मैंने आपको ये सारी हिस्ट्री हमें सीटी में जब पढ़ा दी थी तो मैंने आपको सारे पढ़ाए थे। अब आई डोंट नो कि तुम लोगों को वो याद कितना है। सो वेरी गुड त्रिरंगा, क्या बात है, मोस्ट फेमस नवाब वजीद अली शाह, वेरी गुड राम, वेरी गुड मीमांशा, वेरी गुड आरोही, अक्षत, आदित्य, द करेक्ट आंसर इज नवाब वजीद अली शाह। हो ना, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है सभी को। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए आज कॉम्पेंडियम डालूंगी फेब्रुअरी के लिए, अनएकेडमी का कॉम्पेंडियम, और कम्युनिटी में डाल दूंगी, सबको मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ डालूंगी? अनएकेडमी के कम्युनिटी पे। ओके बच्चों, तो कुछ बोलेंगे ही, वाओ ग्रेट। सो अवध वॉज अनेक्स्ड इन टू द ब्रिटिश एम्पायर इज, विच वन इज द करेक्ट आंसर? जी नहीं, मेरे पास अन अकेडमी का है, हेलो ढक्कन है। वेरी गुड केशव, वेरी गुड आदित्य अक्षत, वेरी गुड त्रिरंगा राम मेहर, वेरी गुड दिशा मीमांशा, वेरी गुड रिमू, एंड द करेक्ट आंसर इज 1856। तो कुछ भी मैं बोल दूं, ज्ञान अकेडमी का डालूंगी तो समझ ही नहीं आता है। मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, मेरे कम्युनिटी वाले पे चेक कर लेना। ओके सो गजब गजब नाम है ना आशीष सभी के, मुझे भी लगता है, लेकिन वो क्लास में नहीं है। अवध एंड सतारा ये कैप्चर किया गया था
अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के, सब्सिडरी अलायंसेस के, इशू ऑफ मिस गवर्नेंस और माहौलवाड़ी सिस्टम के अंडर, किसके थ्रू? सिंह अनुकरण का राज, हाँ मतलब अभी देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, 5 ईयर के लिए मतलब जो एमएससीटी के लिए सफिशियंट है, क्योंकि एमएससीटी में करंट अफेयर्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर क्लैट अनअकैडमी का काफी अच्छा है, तुम एक बार पढ़ के देखना। वेरी गुड मनमीत, ओ हेलो मनमीत, सॉरी, वेरी गुड अवजीत रंगा, वेरी गुड अक्षत नफीशा, द करेक्ट आंसर इज इट्स ए। नहीं मैं तुम लोगों को फॉर क्लैट बता रही थी कि क्लैट का बहुत अच्छा है, क्लैट के लिए अनअकैडमी वाला काफी अच्छा है, तुम एक बार पढ़ के देखना। ओके सो हाँ क्लैट के लिए, एग्जैक्टली क्लैट के लिए ही बोल रही हूँ मैं मैम, 3 ईयर गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट एमएससीटी, एमएससीटी के लिए थोड़ा वन लाइनर ही पढ़ो, और अभी आपको भी पता है कि बहुत कम समय है आपके पास, और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम, 20% से ज़्यादा करंट अफेयर्स आएंगे नहीं आपके, स्टैटिक ज़्यादा आएगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, एवोल्यूशन ऑफ सती, पासिंग ऑफ विडो रिमैरिज एक्ट, द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, क्वींस प्रोक्लेमेशन, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट इज। वॉट अबाउट सीयूईटी ताऊजी? सीयूईटी के लिए भी मैं बोलूंगी कि आप वन लाइनर ही ज़्यादा फोकस करें, और आप बोलोगे तो आप मेरे यूट्यूब वाले पे भी जाएं, क्योंकि मैं उस पर भी करवाती हूँ, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, लेकिन तुम लोग आते नहीं हैं। वेरी गुड अक्षय त्रिरंगा, वेरी गुड नफीशा मेहर, है ना त्रिरंगा, वेरी गुड मेहर ताऊजी, त्रिरंगा हर यूट्यूब क्लास में प्रेजेंट होता है, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे वो। हेलो अरोड़ा, कैसे हो, मिलके खुशी हुई तुमसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर रिवोल्टेड एट मेरठ, डिक्लेयर द लीडर ऑफ बारकर, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर द लीडर ऑफ बारकर, अबाउट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स पार्कर, सो राइट द इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ था राज, आज था जी के टूडे में एमसीक्यू बेस्ट है, मैंने फर्स्ट ईयर उसी से किया था, और हाँ एंड द पोल इज दिस वन, सवेगिर केशव, वेगिर त्रिरंगा, सवेगिर नफीशा, वेगिर सुनिधि, वेगिर रोमी शांतनु, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स 3124। ओके क्या हुआ केशव? ओके सो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ तात्या टोपे, और तात्या टोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहेब, और वजीर अली शाह वॉज एक्साइल टू कलकत्ता, लॉर्ड डलहौजी कैप्चर्ड 7 स्टेट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या लगता है बच्चों आपको आंसर, एंड द पोल इज दिस वन, एंड दिस वन इज द पोल, मैंने वहां पर लिख दिया नहीं पता है अभी क्या हुआ, थोड़े पहले कहाँ लिख दिया, एंड द पोल इज दिस वन, कहाँ पर पता नहीं, काम करते करते। नाना साहब देखो ये करेक्ट नहीं है बच्चों, नाना साहब वॉज नॉट द अडॉप्टेड सन ऑफ तात्या टोपे, ये गलत पॉइंट है, देखो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी था, यही दोनों में आंसर हो जाता, राइट। Okay, so next question. I think, wow, congratulations. So, Nana Sahib joining the revolt of 1857. Reason kya tha, bachcho? British refused him the pension of Peshwa Bajirao II. The British captured Awadh, or the British captured Jhansi and the doctrine of lapse, or Nana Sahib refused to accept subsidiary alliances. Which one is the correct answer? And the poll is this one. अरोड़ा साहब आप ना एकदम अरोड़ा साहब जैसे बात करते, मतलब अरोड़ा जैसे बात करते, वेरी गुड राशि मनमीत, आदित्य सुनिधि, वेरी गुड ओमी, ए इज द करेक्ट आंसर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा साइमा भी नहीं आई है ना, साइमा हिमू ये सारे बच्चे क्लास में नहीं है, दुर्वेश, विलेजेस हुज हेड मैन एंड कल्टीवेटर वर मोबिलाइज्ड
against the British rule by Shah Mal were 84 desh, ye 24 Parganas or Faizabad or Meerut. Which one is the correct answer? 84 matlab 84, right? 84 desh matlab 84. Okay, Shubham, bye bye. So the correct answer is it's A. A class mein kareeb 60 questions hote hain manche, 60 minimum. So Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, who fought against the British, passed away in the year which year? Achha, agar main iske tarikke aapko yaad karwaun, to revolt ke just next year. So very good out to Triranga Arui Meher. Kya baat hai, Nafisa bhi correct answer kar rahi hai, and the poll is the correct answer is it's C, bachcho. 1858. So next question. So uprising in 1857 in Lucknow was led by Nawab Wazir Ali Shah, Burgess Qadir, Begum Hazrat Mahal, Lakshmi Bai. Which one is the correct answer? And the poll is this one. Keshav Avini, just 8 minutes or. Very good, Keshav Manmeet, Akshat Himu Aruhi. Very good, Meher. And the correct answer is it's Begum Hazrat Mahal. Uprising in 1857 in Lucknow was led by Begum Hazrat Mahal Bachcha. So city of Delhi was finally captured by the English in which year? That to say should be. Kya main poll de dun? And the poll is this one. Kisi ko dekhna hi nahi chahiye. Ye wo aapko control kar rahi hoti. Sabai ke Tauji Keshav Aditya. Or koi. Or koi. Very good, Triyanna. And the correct answer is, it's D, that is September 1857. Mera B. Mera B, Tauji. Mera B. Achha. Haan, Rishabh, ye baat par hai, mujhe bhi aa rahi hai. Kaun se governor general hai, jinhone introduce kara tha subsidiary alliances ko? क्या होगा बच्चों आंसर क्या मैं पोल दे दूं एंड द पोल इज दिस वन रात में कौन बोलता है ऑलवेज देयर वेरी गुड ताजी आरोही मैंने तो हिंट दिया था लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता है राइट एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि जब नींद खोलना हो तो अच्छा वो वाला नुस्खा मुझे लगा कि जाके देखने बोल रहा वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका अच्छा सो विच इन इंग्लिश लेडी डिफेंड हरसेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रेबल इन कानपुर ये तो सभी जानते होंगे चक्के लगे हुए थे Very good, Akshat Tauji. Very good, Manmeet. Very good, Ashi. Very good, Aruhi. Very good, Aditya. And the correct answer is it's Miss Villa. So, when the government passed the Hindu property law under which even after converting to Christianity, one could inherit one's ancestral property. Which one is the correct answer? हाँ मैं तो बोलती हूँ तो मैं सच बोलती हूँ सच के अलावा कुछ नहीं बोलती तुम लोगों के कहने का यही मतलब था तो मैंने पूरा कर दिया sentence So very good, Keshav, Akshat, Meher, Nafisa.
When the government passed the Hindu property law, under which even after converting to Christianity, one could inherit one one's ancestral property, the correct answer is 1850. Okay. So next question. Who led the revolt in Bihar? Bihar mein kisne revolt start kara tha? And the poll is, ye to sabhi ne naam suna hoga. Savaigaraditya Priyanka. So the correct answer is, it's Kuwar Singh. Kuwar Singh is the correct answer. Danka Shah kinko bola jata tha? Danka Shah kinko bola jata tha bachcha? आप भराई से सुनकर तो आंख में पानी मार लो केशव, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे. एंड द पोल इज दिस वन. सवाई के रक्षित मेहताब जी. दंका शाह बोला जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को. मौलवी अहमदुल्ला शाह को दंका शाह बोला जाता था, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बस दो क्वेश्चन और करने हैं बच्चों. कितने? दो नहीं, तीन कर लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? आज क्या पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन. किसी किसी को कुछ नहीं होने वाला. सो वेरी गुड ताऊजी मनमीत नफीशा में है. वेरी गुड राम. कार्ट्रिजेस ऑफ इनफील्ड राइफल, राइट? Cartridges of infill rifle. Okay. Hello, Asi. Asi, reh aati hai mujhe lagta hai. Why were the sepoys discontented with the British? Abuse and physical violence, racial discrimination, less fair compared to the British counterpart, or all of the above? Jab is tarah ke question hote hai, toh aapko answers pata hota hai. So, kya main iska poll dun? Pata nahi kaun kya. Very good, Rishabh Tauji Arui. Very good, Amaditya. Very good, Akshat Gitesh Rajmanmeet. And the correct answer is it's D, all of the above. So, bas ho gaya bachcho, aaj ke liye itna hi. Baaki sare questions repeated hai. So, bye bachcho, take care. Milte hai next class mein, jo ki kab hogi, jo ki hogi kal. Okay, so bye, take care. Bye bye, good night, good night. ओके दिखा रही हूँ लीडर बोर्ड. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. ताऊजी त्रिरंगा, अक्षत केशव, आदित्य, नफीसा, प्रियंका, आरुवी, मेयर एंड शुभम. एंड द करेक्ट आंसर, इसका तो करेक्ट आंसर सभी को पता था कि जिसके पास अपना अपना सेटेलाइट ही नहीं है, स्मार्ट थ्री.